सा एक्सपीरियंस रिसेंटली मेरे साथ हुआ, तो कई छोटे छोटे हैं बट रिसेंटली का बता रही हूँ। 28 जैन को मेरे हस्बैंड ने देहरादून जाना था और अचानक इनके ना साइड में पेन होने लगी, तो मुझे कह रहे हैं कि पता नहीं क्या, मेडिसिन भी खा ली, हल्की हल्की पेन थी तो ठीक भी हो रही थी लेकिन जाना जरूरी था, काम ऐसा था। और मुझे टेंशन सी होने लगी कि ऐसे मन में सोचा गुरु जी इनको कोई दिक्कत ना हो, अगर इनको कोई होनी हो ना तो वो मुझे हो जाए, उस वक्त मैं बोली मन में। और हस्बैंड चले गए 3 दिन बाद, 1 तारीख को ही वहाँ से आए, बिल्कुल ठीक थे, इनको पेन नहीं। और जैसे ही आए रात को, मैं ऑफिस से आई, ऑफिस से आते आते मेरे रास्ते में पेन शुरू हो गई, मुझे लगा गैस वैस हो गई होगी, मेरी मेडिसिन खा, लेकिन पेन ठीक नहीं हुआ। फिर मैं किचन में खाना बनाने लगी, उसके बाद भी मेरा पेन इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं बिल्कुल झुक गई नीचे की तरफ, किचन में खड़े खड़े ही झुक गई, और ऐसे लग रहा कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, आवाज बिल्कुल मेरी गायब। और मैंने ना सबके रूम बंद थे, मैंने बेलन से ना दरवाजे पर किचन से वो आवाज की ताकि कोई अपने रूम से निकल के आए। इतनी देर में बेटा आया, मुझे डर गया, मम्मा क्या हो गया, एकदम से ऐसे आप क्यों झुक गए, मैंने कहा मेरी पेन ही नहीं हो रही है कि मेरे से सीधा नहीं हुआ जा रहा, मुझे कुछ हो रहा है। अब समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या है। अब घबराहट में सारे हस्बैंड सभी मुझे लेकर गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए मुझे पेन किलर, उन्होंने बोला हमें तो इनको स्टोन लग रहा है, इनको स्टोन की दिक्कत है, सुबह ना अल्ट्रासाउंड करवा लेना, अभी तो हमने पेन किलर दे दिया। अच्छा, आधे घंटे बाद मुझे आराम आ गया। हॉस्पिटल से मैं घर आई, आके मुझे ना टेंशन होने लगी कि एकदम सडनली आपको कोई बोल दे आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो कि स्टोन है, पेन आपको नॉर्मल हो रही थी, और वो बोले नहीं इनको स्टोन है। अगले दिन मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड करते करते ही मुझे उन्होंने बोल दिया कि आपके तो स्टोन है और आपको ऐसा हो नहीं सकता कि पहले कभी पेन ना हुई हो। मैं भी हैरान, कभी हुई नहीं मुझे पेन, पहली बार ऐसे पेन हुई है। अब मुझे इतनी टेंशन हो गई थी ना, उसके बाद से मैं बता नहीं सकती, बहुत घबरा रही थी। तो मैं ऐसे ही मनली मन में ना गुरु जी का नाम ले रही और मन में सोच रही है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो एकदम से सडनली मुझे सोचते सोचते एकदम से जवाब आया, अब क्यों घबरा रही है, पहले तो खुद ही बोली थी ना कि मुझे लगो पेन, मतलब आप सोच नहीं सकते मैं कैसे, मेरा जवाब मेरे को खुद ही मिल गया। तो मैं रोते रोते ना एकदम से, जैसे आप चिल्ला नहीं सकते जब आपको दर्द हो रही है तो, लेकिन आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, तो मेरे को जवाब मिल जाता है। मतलब फिर पंजाबी में बोले मुड़के डर भी पी, मतलब बड़ी चोरी होकर बोली थी कि भाई दे दो दर्द मुझे, हस्बैंड को नहीं कुछ होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने मन में सोचा कोई नहीं, अगर गुरु जी ने मुझे दिया है तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, तो अगर मुझे पेन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर मेरा है तो मैं वो भुग दूंगी अपने लिए। मतलब मेरे को ना अंदर से एक हिम्मत मिल रही थी उस पेन को झेलने की। रात को सुबह अल्ट्रासाउंड कराया, रात को हम डॉक्टर को दिखाने गए और इस बीच में मेरे दोबारा पेन हुआ, सेम वही और उससे 4 गुना ज्यादा पेन। और वो पेन में डॉक्टर के जब गए तो उन्होंने बोला इनकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि 8 mm की स्टोन है इनकी, और इनका ना सुबह आप सीटी स्कैन करवा लो, उसके बाद हम इनका ऑपरेट करेंगे। मतलब आप सोचिए एकदम से डर, मतलब ऐसा हो जाता है कि अचानक ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर, मतलब बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मैं सोच रही कोई बात नहीं, जो गुरु जी करेंगे ठीक करेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस टाइम मेरी सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई, उस दिन मैं रात को, एक दिन पहले रात को कानों में लीड लगाई और मैं गुरु जी का मंत्र भजन सुनते सुनते सो गई, मुझे पता भी नहीं चला। मेरे हस्बैंड ने रात को लीड निकाली कि इसको देखो पता ही नहीं चल रहा सो गई है, और लीड लगे लगे भजन सुन रही है अपना सो गई। अगले दिन जब हम सिटी स्कैन की रिपोर्ट उन्हें दिखाने गए तो वो डॉक्टर कह रहे हैं ये क्या सिटी स्कैन में तो है ही नहीं, स्टोन ही नहीं है। मतलब मैं तो जवाब समझ गई थी कि गुरुजी ने क्या किया, हस्बैंड मेरे कह रहे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आप खुद ही तो बोले थे। फिर उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी, कह रहे इसमें तो है, तो सिटी स्कैन में गायब है। फिर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया, वो बोले हो सकता है इनको ना दोबारा पेन हुई थी ना उसमें रिमूव हो गई होगी। लेकिन मैं मन ही मन में मुस्कुरा रही, गुरु जी मेरी हर चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था ना, इसलिए आपने सोल्यूशन निकाल लिया। वैसे मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन छोटे छोटे एक्सपीरियंस से बहुत बड़े बड़े